योगी के फैन होंगे कांग्रेस में शामिल। क्या कांग्रेस में हो रही है सनातन की एंट्री? राहुल गांधी बीजेपी के अंदर कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता की। अभी हम हैं मेहंदीपुर बालाजी में। आज रात को यहाँ कीर्तन है श्री राम आश्रम में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं शाम को 7 बजे से। आज सुबह हमारे एक मित्र का फ़ोन आया और मैंने उनसे मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे, चाहे हम किसी भी दल में जाएँ या ना जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ। और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते, ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हो, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें। मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे। और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहेंगे। और उसी के लिए करते हुए हमें अगर कुर्बान भी होना पड़ेगा तो हो जाएंगे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करना पड़ेगा उस दिन हम कहीं पर भी नहीं काम कर सकते। हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा के लिए, अपने बालाजी के लिए, अपने सनातन के लिए, अगर हमें बल मिलेगा तो वो बल सनातनियों के हक के लिए, उनके साथ देने के लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब मीडिया देख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ पर सब खबरें चल रही हैं,
तो आप सब मेरे जो फॉलोवर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो मुझे छोटा भाई मानते हैं, आप सब तक मेरी बात पर्सनली पहुंचना बहुत ज़रूरी थी। तो बस इतनी सी बात है। और हमारा जो मूल रूप से कार्य है लोगों को जोड़ना भजनों से, वो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं, अविरल चलता रहेगा। तो बस इतनी सी बात है। और ये ज़रूरी नहीं है, बबलू जी लिख रहे हैं कांग्रेस में भी सनातन को मानने वाले, सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग होने चाहिए। बिल्कुल यही बात है और कोई बात नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था कि चाहे वो सनातनी कांग्रेस में भी है तो उसको अलग सी नज़र से देखा जाता है। ये क्या बात है, हम अपने एक तरफ तो राष्ट्रहित की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, और वहीं हम जैसे अगला कहता है कि मैं, ये कमल जी पूछ रहे हैं कांग्रेस ने सनातन के लिए क्या किया, तो आप आगे भी नहीं चाहते कि कुछ करें, ये भी मेरा सवाल है। अगर चलो आपकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं ज्वाइन करूँगा तो सिर्फ अपने पक्ष की बात, अपने सनातन की बात रखने के लिए। बहुत सारे लोग अभी मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अयोध्या नहीं गए, उनके बारे में क्या राय है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप कितने गरीब लोगों को अयोध्या लेकर गए, कितने दलितों को लेकर गए, कितने पिछड़ों को लेकर गए, कितने लोगों को लेकर आप गए, क्यों कंसंट्रेट करते हो एक ही शख्स पर कि वो क्यों नहीं गया। उन पर भी तो कंसंट्रेट करें ना हम, जिनको हम ले जा सकते हैं लेकिन हम ले जा नहीं रहे। तो बस इसी धारणा को हमने जोड़कर चलना है, और हम सब प्रभु के चरणों में जुड़े रहें और सब बाबा का भजन करें। मेरा कोई मनमुटाव भाजपा के साथ ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब भगवान से जुड़े। सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद कुछ आता है, सबसे पहले राष्ट्र, फिर मेरा धर्म, फिर आगे चलकर कोई व्यक्ति विशेष आता है। तो नमस्कार, जय श्री श्याम, जय माता की। कन्हैया मित्तल ने कहा, बीजेपी से मेरा ऐसा कोई मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिला पंचकुला से, इस वजह से कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, टिकट मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, मेरी दोस्ती सभी से है। मैंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी को वोट दो, मैंने कहा जो राम मंदिर के लिए काम कर रहे हैं, जो सनातन का साथ दे रहे हैं, उनके लिए काम करो। मैं बीजेपी में कभी मूल रूप से था भी नहीं, हाँ ऊपर से मुझे बुलाया जाता था। योगी आदित्यनाथ हमारे गुरु हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, चाहे मैं किसी भी पार्टी में जाऊँ उससे फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस में जाने का मेरा मन है, कांग्रेस ज्वाइन करने की जानकारी जल्द शेयर करूंगा।